हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब इन माय लाइफ माय योगा। वीडियो में दिए गए दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ें। तो मेरे पहले की सूर्य नमस्कार, योगा फॉर स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आसन फॉर स्टमक प्रॉब्लम की वीडियो देखना ना भूलें। वृक्षासन करने के लिए योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे, 16 लेवल के बराबर अपने पैर खोलेंगे, बाएँ पैर को उठाते हुए अपने दाएँ पैर की जांघ पर रखेंगे, पैर की स्थिति समकोण होनी चाहिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए प्रणाम की मुद्रा में जोड़ेंगे। इस अवस्था में कुछ देर रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए यथावस्था वापस आ जाएंगे। ठीक यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर की जगह पर रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, जोड़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे शिथिल अवस्था में। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन करने के लिए योग मैट पर शिथिल अवस्था में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर करते हुए हाथों को खोलते हुए श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री घुमाएंगे और हमारे शरीर से पेट बिल्कुल 90 डिग्री से अर्थात बराबर होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और इस अवस्था में जो साधक जितना झुक सके उतना झुके, कुछ देर रुके, फिर पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। शंखासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे अपने टखनों के बीच में अंतर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर इस प्रकार से झुकेंगे, कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसे 2 से 3 बार करें और 20 से 30 सेकंड रुकें, फिर पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। इस स्थिति में क्रमशः अपने पैरों को लाते हुए दोनों हाथों से पकड़ते हुए बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। श्वास भरते हुए इसी मुद्रा में थोड़ी देर बैठेंगे, रुकेंगे, फिर यथावस्था पूर्व की अवस्था में वापस आ जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर इस प्रकार से उठते हुए हाथों को कमर पर रखेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे, 20 से 30 सेकंड रुकेंगे श्वास को रोकते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए यथावस्था वापस आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। शलभासन का अभ्यास करने के लिए पेट के बल सीधे लेट जाएंगे, हाथों को अपने जंघाओं के नीचे रखेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। इसी अवस्था में 20 से 30 सेकंड रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे शिथिल अवस्था में, रिलैक्स करेंगे। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल योग मैट पर हम सीधे लेट जाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे, टखनों को मोड़ेंगे, फिर अपने सर को धीरे धीरे उठाते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपनी नासिका को दोनों टखनों के बीच में रखेंगे। इसी अवस्था में 20 से 30 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे पूर्व की अवस्था में वापस आ जाएंगे। शवासन, हम समस्त आसनों की बात करते हैं। यह आसन हमारे शरीर से समस्त थकान को दूर कर हमें तरोताज़ा महसूस कराता है। समस्त आसनों के बाद इसे करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे 15 से 20 मिनट करने से हमारे शरीर की संपूर्ण थकान दूर हो जाती है।